सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ग्वालियर के एक घर पर लगे टावर को 7 दिनों के भीतर हटाना पड़ेगा। दरअसल एक याचिका में टावर के चलते निकलने वाले रेडिएशन से एक व्यक्ति ने खुद को कैंसर होने की बात कही थी। हरीश ने सर्वोच्च अदालत को बताया कि उनके घर से 50 मीटर से भी कम दूरी पर मोबाइल टावर लगा है। उनके मुताबिक लगातार और लंबे समय तक रेडिएशन के संपर्क में रहने की वजह से उन्हें कैंसर हो गया। इसके साथ ही मकान मालिक अनिल शर्मा की मां की भी डेथ कैंसर से हुई। जस्टिस रंजन गोगोई और नवीन सिन्हा की बेंच ने बीएसएनएल को 7 दिनों के भीतर उक्त टावर को बंद करने का आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज। मेरे पिताजी ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया तो ये जो मकान मालिक है उसके फादर जिंदा थे, वो और बीएसएनएल के जनरल मैनेजर मेरे घर पे आए, यहीं पे लॉन में आए और उन्होंने मेरे फादर से ये प्रार्थना की कि क्योंकि हमने इनके साथ में एग्रीमेंट कर लिया है तो आप इसको 3 साल के लिए लगा रहने दीजिए, हम 3 साल के बाद में इसको रिन्यू नहीं करेंगे और इसको मोबाइल टावर को हटा देंगे। ये शुरुआत यहां से हुई। अगर ये जनरल मैनेजर बीएसएन वाले मेरे फादर को ये आश्वासन नहीं देते तो ये टावर 2002 में कभी भी यहां पर लग नहीं सकता था। 20-50 बार कलेक्टर के पास गए, 20-50 बार कमिश्नर नगर निगम के पास गए और बीएसएनएल के पास गए। जनरल मैनेजर की उसकी कमिटमेंट में वो बताया, किसी ने कुछ नहीं किया। इस टावर की वजह से हुआ जी, इसके एलिगेशन से जी। हाँ, हमारी जो मालकिन प्रकाशपति शर्मा थी उनको भी कैंसर हुआ, वो पिछले साल गुजर गई, इसी टावर की वजह से हुआ। हम वो ज्यादा यहीं ग्वालियर में रहते थे, इसी घर में, इसी वजह से हुआ।